નમસ્કાર, સાંતે સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું વિશાલ મહેતા. સમાચારની શરૂઆત કરીએ મહત્વના ન્યૂઝથી. એક મહત્વના બ્રેકિંગ ન્યૂઝ આવી રહ્યા છે કે અમદાવાદમાં સ્પેશિયલ સીપી અજય તોમર દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને ટ્રમ્પના કાર્યક્રમ વહા ઉપસ્થિત રહેંગે. ઇસ કાર્યક્રમ કે લીએ જબ મહાનુભાવ એરપોર્ટ સે આશ્રમ ઓર આશ્રમ સે ફિર મોટેરા સ્ટેડિયમ તક જાયેંગે તો રાસ્તે મેં ભી બહોત બડી માત્રામાં બડી તાદાદમાં નાગરિક રોડ પર ઉનકા અભિવાદન કરને કે લીએ ઉપસ્થિત રહેંગે. ઇસકે લીએ સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા કી ગઈ હૈ, જહાં બેરિકેડિંગ કી જાયેગી તાકી કિસી તરહ કી અવ્યવસ્થા વહાં ખડી ના હો. વહાં જો રૂફ પોઇન્ટ્સ હૈ, આસપાસ બિલ્ડિંગ્સ હૈ, ડીપ પોઇન્ટ્સ હોંગે જો દૂર સે કિસી ભી ખતરે કો અવ્યવસ્થા કો રોક સકે. और जैसा मैंने पहले बताया कि बैरिकेडिंग हो, सभी जो नागरिक वहाँ रहेंगे पुलिस उनको फैसिलिटेट भी करेगी और उनके ठीक से चेकिंग भी की जाएगी. इस बड़े कार्यक्रम में, बड़ा कार्यक्रम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मार्ग पे भी बहुत बड़ी संख्या में नागरिक होंगे और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो मोटेरा अभी बन चुका है वहाँ भी 1,10,000 की क्षमता होने के कारण इतनी बड़ी संख्या में नागरिक आएंगे तो उसके लिए काफ़ी बड़े तैयारियां हमारी ओर से की गई हैं. जो नागरिक अलग अलग जिलों से इस कार्यक्रम के लिए आएंगे उनके लिए बसों की व्यवस्था की गई है. कुछ एक विशेष आमंत्रितों के लिए GMDC ग्राउंड में वो अपने वाहनों के द्वारा जाएंगे और वहाँ से विशेष बसों के द्वारा उनको स्टेडियम तक ले जाया जाएगा. यदि कोई पास धारक आमंत्रित टू व्हीलर या फोर व्हीलर से आएगा, जो कि लगभग सभी के लिए व्यवस्था जो मैंने पहले बताई बसों के द्वारा कर दी गई है, लेकिन यदि कोई आएगा तो टू व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है. मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूँगा कि लगभग सभी पास धारकों के लिए बस की व्यवस्था आयोजकों के द्वारा की गई है. इस कार्यक्रम का समय अभी तक जो पता लगा है लगभग दोपहर के समय अमेरिकन राष्ट्रपति जी का आगमन है और उसके बाद वो अपने आगे के कार्यक्रमों के लिए रवाना होंगे. जब एग्जैक्ट समय हमारे पास आ जाएगा तब उसके अनुसार एग्जैक्ट समय की आधार पर जरूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी. मोटेरा स्टेडियम पे जो कार्यक्रम है उसमें मान्यवर अतिथि महोदय के आने से पहले लगभग 2 घंटे बड़े सुप्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा बहुत विशेष कल्चरल कार्यक्रम का, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. मैं मानता हूँ कि उसका आनंद भी सभी नागरिकों को वहाँ मिलेगा. इस भव्य कार्यक्रम के लिए बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही हैं. राज्य सरकार के अनेक विभाग हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, अहमदाबाद सिटी पुलिस है, राज्य पुलिस के द्वारा अनेक आयोजन में मदद हमें मिल रही है. सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से वहाँ अहमदाबाद शहर पुलिस तो होगी ही, इसके अलावा राज्य के दूसरे शहर और जिलों से भी पुलिस महानिदेशक श्री के द्वारा हमें अधिकारी और पुलिस प्रोवाइड की गई है. इनके अलावा स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा व्यवस्था का इंतज़ाम देखती है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है जो हमारी नेशनल खास सुरक्षा एजेंसी है, गुजरात ATS, अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच, SRP, चेतक कमांडोज, रैपिड एक्शन फोर्स और इनके अलावा हमारी राज्य की QRTs और बॉम्ब डिटेक्शन और डिस्पोजल टीम्स भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ काम में रहेंगी. गुजरात पुलिस टेक्नोलॉजिकल साधनों की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है. उन सभी टेक्निकल इक्विपमेंट्स का, संसाधनों का उपयोग इस कार्यक्रम के लिए किया जाएगा. DRDO द्वारा उपलब्ध कराए गए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग भी इसमें किया जाएगा.
इससे सविशेष हर संसाधन का नाम मैं यहाँ लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन पूरी सुरक्षा व्यवस्था हो, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। सभी एजेंसी जो इस कार्यक्रम में काम कर रही हैं, हो सकता है मैं सभी का नाम ना ले पाया हूँ, लेकिन सभी का बहुत उत्कृष्ट संकलन से ये सभी तैयारियाँ की जा रही हैं और मुझे पूरी आशा है कि नमस्ते ट्रंप का ये कार्यक्रम बहुत सुंदर तरीके से किया जाएगा। जो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन है उसके द्वारा भी नागरिकों के लिए स्टेडियम में एक बार जब वो पहुंच जाएंगे, मैं एक बार फिर से ये निवेदन करना चाहूँगा कि सभी नागरिकों से रिक्वेस्ट है, विनती है कि वो समय से स्टेडियम में पहुँचे, कार्यक्रम से 2 घंटे पहले। જો આપણે જે રીતે ટ્રમ્પના કાર્યક્રમને લઈને સુરક્ષાનું કવચ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, ના માત્ર જમીન સુરક્ષા પરંતુ હવાઈ સુરક્ષાને પણ ધ્યાનમાં રાખી છે, આકાશી સુરક્ષા દ્વારા પણ ટ્રમ્પની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવશે। વિશ્વની 2 મહાન હસ્તીઓ અને સાથે જ એક મોટો વૈભવી કાર્યક્રમ કે જેની અંદર અવિસ્મરણીય બનાવવા માટેની પૂરી તૈયારીઓ અત્યારે હાલ ગુજરાત પોલીસ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી છે। આ ઓપરેશનની અંદર તમામ પોલીસ હાજર રહેશે, ગુજરાતમાંથી ખૂણે ખૂણેથી તમામ પોલીસ અધિકારીઓને બોલાવવામાં આવે છે, સાથે જ સુરક્ષાના તમામ બંદોબસ્ત કરવામાં આવે છે, સુરક્ષાને લગતા તમામ ઇક્વિપમેન્ટ્સ ઉપયોગ કરવામાં આવશે અને સાથે જ કોઈપણ પ્રકારની કોઈ